भोले बाबा विराजमान है यहाँ पर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का कुछ व्लॉग इस तरीके से, आज घर से निकले हैं, मैं चुनी भाई आया था, अभी स्टार्ट भाई मिला है साथ में, तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी डलाते हैं गाड़ी में तेल, उसके बाद चलते हैं आगे को जहाँ भी होगा। अभी तो कोई गुल्लर से जाने के लिए बोलते थे, देखो गुल्लर से या दूसरी जगह जहाँ भी जाया जाएगा तो आपको दिखाएंगे। बने रहो हमारे व्लॉग में, ठीक है। तेल डलाते हैं, पेट्रोल पम्प पर पहुँच गए हैं, तेल डलाते हैं। मौसम तो ऐसा हो रहा बारिश का, और मौसम विभाग ने भी बारिश इतनी अलर्ट कर रखी है कि भयंकर ही बरसात तो ज़्यादा ही होगी बल करके, लेकिन मौसम बना हुआ है, लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। शायद रात को हुई थी, कोई रोड भी काफ़ी गीली हो रही है, रात में तो बारिश हुई है लेकिन अभी नहीं हो रखी है। अभी तो ज़रा मौसम साफ है, तो चलो व्लॉग बना लेते हैं, कुछ थोड़ा सा घूम भी लेंगे और व्लॉग भी बना लेंगे। ये जा रहे हैं हम सीधे नीचे कौशी महाराज की तरफ, जय हो शनि महाराज। देखते हैं अभी कहाँ तक होता जाना, जा ही रहे हैं हल्के हल्के अपना आराम से एंजॉय करते हुए। अभी हम जा रहे हैं गुल्लर सिद्ध बाबा के मंदिर में, दिखाएंगे आपको, एक्सप्लोर बनाएंगे, बताएंगे गुल्लर सिद्ध बाबा के मंदिर। हाँ चलते हैं। ये जा रहा है गुल्लर सिद्ध बाबा के मंदिर का रास्ता, हम चले गए हैं इधर पे, ऊंचाई में है काफ़ी ऊपर, चोटी में है मतलब। हाँ आए हैं आराम से, गाड़ी लगाते हैं साइड में, अभी थोड़ी देर बाद लगाते साइड में गाड़ी, हमने लगा दी है साइड में। गाइस पहुंच चुके हैं गुल्लर सिद्ध मंदिर में, आज दिखाते हैं आपको गुल्लर सिद्ध मंदिर और बताएंगे आपको इसके बारे में। तो गुल्लर सिद्ध बाबा का मंदिर जो है ऊपर चोटी में है, अभी ये नीचे जो मंदिर है ये माता बाल सुंदरी का मंदिर है। माता बाल सुंदरी का मंदिर काफ़ी अच्छा इस समय बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा सा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे माँ बाल सुंदरी का मंदिर। और हम गुल्लर सिद्ध बाबा के महादेव के मंदिर भी जाएंगे जो कि ऊपर है चोटी में, वो भी आपको दिखाएंगे। भाई कह रहा है पागल है क्या, हम नहीं जा रहे ऊपर, बोल रहे हैं ऊपर नहीं जा रहे। तो क्या हो गया, ऊपर ही तो ज़्यादा थोड़ी ना दूर है, थोड़ा थोड़ा चल देंगे। तो हाथ क्या हो गया फिर उसमें जाएगा, तो दिक्कत थोड़ी ना आ रही कोई। ये है लड़का मंदिर, हाँ चाय प्रसाद बना रखी है। जो यहाँ पर लगता है शिवरात्रि का मेला लगता है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी मतलब मज़ेदार मेला लगता है यहाँ पर। तो यह है माता का मेन मंदिर जो कि माता बाल सुंदरी, माँ बाल सुंदरी का मंदिर है। एंड आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गेट है जो कि गुल्लर सिद्ध बाबा के मंदिर को जाता है ऊपर चोटी में। तो चल रहे हैं, आ जा चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर। बने रहो हमारे साथ ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे आगे। कोई नहीं हुआ सुन दो, तो फाइनली गाइस चलते हैं, आपको लेके चलते हैं गुल्लर सिद्ध बाबा के मंदिर में। करना तो आइए गाइस, लेके चलते हैं आपको इन्हीं सीढ़ियों से बाबा महादेव के मंदिर में, गुल्लर सिद्ध बाबा के मंदिर में। आओ फिर चलते हैं। सो गाइस हम चल दिए हैं यहाँ पे बाबा गुल्लर सिद्ध मंदिर की ओर, और त्रिपाठी जी हमारे आगे आगे जा रहे हैं, और मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है, बारिश कभी भी आ सकती है क्योंकि आज थोड़ा हाई अलर्ट दे रखा है मौसम का, और यहाँ पे काई भी हो रही है आप देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। और अब कच्चा स्टार्ट हो चुका है यहाँ से।
सो फाइनली गाइज अब पहुंच चुके हैं हम बाबा गुल्लर सिद्धि के द्वार पे। यहाँ आपको काफ़ी अच्छा सा व्यू देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, आप देखिएगा। काफ़ी यहाँ पे शांति सुकून है, यहाँ पे मज़ा है। और यहाँ ज़्यादातर पेड़ जो हैं आपको बेलपत्री के, तुन के और जामुन के इस टाइप के मिलेंगे, और सिमल का मिलेगा। ज़्यादातर पेड़ यहाँ जंगल के अंदर यही मिलते हैं। तो हम जा रहे हैं अभी बाबा के गुल्लर सिद्धि के द्वार पे, तो देखते रहो आप। देखो मैं तो आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू, देखो आप सिनेमैटिक देखो, एंजॉय करो। सो फाइनली गाइस यह है भोले बाबा का दरबार, भोले बाबा विराजमान है यहाँ पर महादेव। और ये जगह है आप देख सकते हैं, काफ़ी मौसम कितना अच्छा यहाँ पर हो चुका है, एकदम से मौसम पूरा चेंज हो गया ऊपर आकर के। तो यहाँ से काफ़ी दिख रही है रामनगर, और मैं ऊपर ले आता हूँ आपको, ऊपर से दिखाता हूँ। गाइस अब हमारा जाने का समय हो चुका है, यहाँ से नीचे जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे बैठ के, काफ़ी शांति थी और यहाँ पर मन इतना मतलब इतना अच्छा लगा कि मैं यहाँ बैठने का मन कर रहा है कि अभी बैठे रहें। अभी मौसम देख रहे हैं आप, एकदम से पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, पूरा कोहरा का धुंध आ चुकी है यहाँ पर। और यहाँ ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं यहाँ पर कहावत है कि जब यहाँ पर जो टाइगर है या लेपर्ड है यहाँ पर महादेव के मंदिर में आता है, रात को आकर के एक बार दर्शन जरूर करके जाता है। तो आप लोग आइएगा और देखिए यहाँ पर, मतलब अकेले अकेले मत आइएगा, मेरा कहने का मतलब ये आप लोग अकेले ना आए, किसी ना किसी को साथ में जरूर ले गए, क्योंकि जंगल के बीचों बीच है, यहाँ पर थोड़ा खतरा भी बना रहता है जानवरों का, तो इसलिए। तो अब यहाँ से हम चलते हैं। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी नए हैं आप हमारी फैमिली से हैं, आप मेरी फैमिली हो यार, एक छोटी सी फैमिली मेरी, जो कि इस समय 310 लोग मेरे से जुड़ चुके हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, और आगे भी प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं आपसे किसी नए अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस, बाय बाय।